अगर आप भी माता रानी का अपने घर में स्थायी रूप से वास चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है जो घर स्वच्छ और सुंदर हो। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर के कलह कलेश भी खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने के समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाइए, पर कूड़ा बाहर ना फेंके वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ज्योतिष की माने तो झाड़ू हमेशा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करें। अब ये ना हो कि आपने इधर झाड़ू लगाया तो इधर ही रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए वरना धन का आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें, झाड़ू के लिए एक निर्धारित जगह बनाइए। झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दें, किसी पौधे को सुना दें, खासकर तुलसी माँ को आप सुना दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुछ समय से जैसे कि 6 महीने या साल भर हो गया है और घर का झाड़ू खराब नहीं हुआ है, पुराना है पर खराब नहीं है, तो ऐसे में भी आपको पुराना झाड़ू फेंक देना चाहिए। इसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा पुराना झाड़ू यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा तो ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आप उपयोग करें तो शनिवार के दिन से झाड़ू आपको लगाना शुरू करना चाहिए। जीवन में इससे धन आएगा, खुशियां आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढककर आप इसे रखिए। झाड़ू लोगों की नजर में ना आए ऐसी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, तो ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें हमेशा ही ढककर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू लगाते समय कभी कभी ऐसा होता है घर में बच्चा झूठा इधर उधर कर देते हैं, उस समय आपको झाड़ू से समेट कर साफ सफाई सीधे नहीं करनी है। पहले आप उस पर पानी डाल दीजिए या किसी कपड़े से आप उस झूठन को वहाँ से हटा दीजिए, फिर आप झाड़ू से साफ सफाई कीजिए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि झूठे को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से भी लक्ष्मी जी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी माँ लक्ष्मी है उनका निवास झाड़ू में ही है, इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़े लक्ष्मी जी वापस चली जाएंगी। और एक बात और है, जब आप घर में साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ करके रखें। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसे धोकर अच्छे से सुखा लें अगर संभव है तो। और अगर आपको लगता है कि मौसम ऐसा है झाड़ू नहीं सूखेगा, तो ऐसे में आपको झाड़ू को अच्छे से झड़का लेना है। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कलह कलेश नहीं होंगे। अगर गंदे झाड़ू आप रखेंगे या फिर गीले झाड़ू अगर आप रख देंगे बिना सुखाए, तो घर में झगड़े लड़ाई कलह कलेश बढ़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि भूल कर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए, चाहे वो कोई जानवर है या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से भी लक्ष्मी जी का अपमान होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज किया है उसे आपको फेंकना नहीं है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, नए घर में नई झाड़ू के साथ प्रवेश करते हैं लेकिन पुराना झाड़ू फेंक देते हैं।
करते हैं, आप उसे ले आइए। आप उसे लाते ही यूज ना कीजिए, क्योंकि नए घर में आप नए झाड़ू का इस्तेमाल करें, थोड़े टाइम के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाते ही प्रयोग ना करें। पर अपने पुराने घर में झाड़ू को छोड़ करके ना आए, माना जाता है कि ऐसे में लक्ष्मी जी वही रह जाएंगी। नई झाड़ू लेकर घर में प्रवेश करें, साथ ही पुराना झाड़ू भी घर में ला करके आप रख लीजिए। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है, तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि झाड़ू के नीचे रात में आपको क्या छुपा करके रखना है कि धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं, तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर रखें, खड़े करके मत रखिएगा और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा जब घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मारकर भगा दे। तो इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिए, दिन में वहां मत रखिए। जब झाड़ू आप रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखें, ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 दाने डालिए। सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दें। इससे जीवन की धन संबंधित मुश्किलें दूर होती है। आप इसे चाहे तो रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन करेंगे तो बहुत ही खास दिन है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे के झाड़ू यूज करते हैं, ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिए, वरना जीवन में कई चीजें नुकीली चीजों की तरह चुभेंगी, यानी कष्ट बढ़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो इसकी संख्या 1 हो या 3 हो, जोड़ी की संख्या में कभी भी भूल कर भी झाड़ू मत खरीदिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाते हैं तो इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक और खास उपाय बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा पुराना झाड़ू मत यूज कीजिए, नहीं तो आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाएगा। कहाँ खर्च होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, व्यर्थ के कामों में पैसा आपका खर्च हो जाएगा। मोर पंख के झाड़ू से, या अगर आपके घर में मोर पंख है तो उसे लेकर सुबह के समय या फिर शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ा देते हैं तो उसकी नजर उतर जाती है। अगर आप मोर के पंखों से भगवान को हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोर पंख का झाड़ू लेकर पूरे घर में अगर आप घूमते हैं सुबह के समय, तो उस घर की नकारात्मकता घर से दूर हो जाती है। झाड़ू में हैंडल में लाल मोली धागा या सफेद धागा बांधना चाहिए जब भी आप नई झाड़ू लेकर के आए। इससे लक्ष्मी जी घर में स्थिर रूप से वास करती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि नई झाड़ू लाते ही आपको या तो लाल रंग का धागा या सफेद रंग का धागा जरूर बांधना है। दोस्तों, झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना है और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखें, नहीं तो फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। झाड़ू को हमेशा ढककर और छुपा कर रखें ताकि किसी की भी इस पर नजर ना पड़े, तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू या फिर पोछे का कपड़ा आप मत रखिए, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू रखी हुई है और उसका कोई आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी पुरानी झाड़ू को आप घर में ना रखें, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इसे घर में रखने से झगड़ा लड़ाई कलह कलेश भी होने लगते हैं। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लेते हैं तो शनिवार के दिन का ही चयन आपको करना चाहिए। शुक्रवार को आप झाड़ू लेकर आए और शनिवार के दिन से इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही शुभ है। और जहां पर आप हैंडल पकड़ते हैं, वहां मैंने आपको बताया आपको मोली या सफेद धागा बांधना है, तो बहुत शुभ रहता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में स्थिर रूप से वास करती है। जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करना है झाड़ू का, बस सिर्फ आप धागा बांध दीजिए। हमेशा ही झाड़ू को साफ करके झड़का के रखिए। गीला झाड़ू अगर आप रखते हैं दोस्तों, तो इससे घर में दोस्तों बीमारियों का वास होने लगता है और बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखे कि आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर सीधे नजर ना पड़ सके। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी जो हर किसी को होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी।